गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज का वीडियो कोई ब्लॉग है या कुछ और बेसिस पे नहीं, आज मैं ब्लॉग एक वीडियो बना रहा हूँ गौरव जोन के ऊपर। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा था कि कैसे वो अपने ऑडियंस को जकड़ के रखता है, कैसे वो यूट्यूब से रुपये कमाता है, कैसे वो अपना यूट्यूब हैंडल वो सब करता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन है, जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। ये एक्चुअली एक ब्लॉगर है जो ट्रैवलिंग नहीं करता, अपनी लाइफस्टाइल बताता है और डेली ब्लॉग बताता है, ठीक है। और डेली ब्लॉग में उसकी ऑडियंस को दो चीज़ पसंद है, पहला 100 ब्लॉग एंड सेकंड इज प्रैंक ब्लॉग, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ 100 के बारे में। इसने कम से कम 14-15 वीडियो बनाए, उसमें से एक वीडियो में एक 100 नहीं है। क्या बनाया आपको, ठीक है। दूसरा है प्रैंक वीडियो। अब पहले वाले प्रैंक तो फिर भी ठीक है, ये गाल है, बाकी इस बार जो प्रैंक बनाया लॉकडाउन में वो आप देखना, मैं बताता हूँ आपको। तो लेट्स गो, सीधा अपने वीडियो में चलते, बाकी बात बाद में करेंगे और एंड में बताऊँगा। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना कि वो कैसे करता है, कैसे झगड़ के रखता, मतलब ये नहीं है कैसे झगड़ के रखता है, ठीक है, गलत मत लेना। तो चलो अभी घर आया है, वो बाथरूम में गया, बोल के गया कि मेरी है ना सारी सेविंग किट तैयार रखना। अब देखना उसने मेरे साथ ऐसा प्रैंक करा था, अब देखना मैं उसके साथ कैसा प्रैंक करूंगी। ये है वीट, अब ये सेविंग की रिंग की जगह मैं इसको, इसमें कम है ना तो इसको मैं मक्के में डाल करके दे देती हूँ, ठीक है। और कह दूंगी इतनी थी, थोड़ी थी, इस वजह से मैंने मक्के में निकाल दी। डालने जा रही हूँ मक्के में। अब बेटा देख, तूने मेरे साथ ऐसा खेल खेला, अब देख मैं तेरे साथ कैसा खेल खेलने जा रही हूँ। और बताना किसका प्रैंक सबसे अच्छा लगा, गौरव का या मेरा। अब देखो ये ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये है ना वीट हो गई खत्म, क्योंकि इसमें कम थी ना, मुझे भी मौका अच्छा मिल गया, मैंने मग्गे में निकाल दी। अब पूछेगा तो मैं इसको बता दूंगी बार लास्ट में, ठीक है। सामान ले लेने, रेडी हो गया? हाँ रेडी हो गया, जल्दी दो, अभी ला रही हूँ। और डॉलर की वीडियो एडिट करनी है, बैठ के जल्दी करो। खाने में क्या बना है? खाने में एक मिनट ले, वो है ना ट्यूब है ना थोड़ी थी ना, इस वजह से मैंने मग्गे में डाल दिया, ठीक है। ठीक है कोई नहीं, खाने में क्या है, खाना बनाओ, भूख लग रही है, मैं बना के आया हूं। खाने में मैं आज है ना पनीर का पुलाव बनाती हूं, ठीक है। देखिए ये प्रैंक था, ये क्या था, हम अंडी जी को कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीधा चलते वो गौरव जोन थे, ठीक है। ना आंटी ने बोला कि मुझे वीडियो बनाना है, ना आंटी ने बोला मुझे ये ब्लॉग में आना है, ना प्रैंक में आना है, ठीक है। सामने दिख रहा है कि ये प्रैंक वीडियो स्क्रिप्टेड है, जिस हिसाब से आंटी बोल रही है, जिस आंटी देख रही है, मतलब एक होता है कि प्रैंक करते थे अलग से दिखता है, बट ये स्क्रिप्टेड दिख रहा है पूरा का पूरा प्रैंक, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट ये कि ये बोल रहा है, आगे जाके वीडियो में मैंने इसमें पूरा नहीं डाला, इसकी जब मम्मी इसका फेस साफ कर रही होती तो बोलते हैं कि बॉस स्मेल आ रही है गंदी, जब इसे लगा है तब नहीं आई होगी। दूसरा तीसरा ये कि ये बोल रहा है कि डॉलर का वीडियो एडिट करना है, इसने अपना ब्लॉग डॉलर का पहले ही डाल चुका है, अब इसके ऊपर इसने अपडेट दी ना कुछ और बोला है, तो ये कौन सा ब्लॉग अपडेट एडिट कर रहा। तीसरा चौथा ये कि अगर ये प्रैंक होता तो रिंग लाइट इसके घर में 24 आवर्स ऑन रहती, ऐसा एक फ़ोन में रिकॉर्ड करते हैं, अगर इसकी मम्मी बना रही कैमरा में कौन रिकॉर्ड करता है, सोचने वाली बात है थोड़ी सी। तो आप समझ जाओ ये 4-5 पॉइंट से, और आप एकदम ध्यान से देखोगे तो आप समझोगे, ठीक है। चलो छोड़ो, ज़्यादा नहीं बोलते, आप समझ ही गए मैं क्या बोल रहा हूँ। सो चलो एक और आपको क्लिप दिखा देता हूँ, वो है हॉन्टेड, तो इसने अभी रिसेंटली शूट किया 3-4 दिन पहले, और ये कहानी चालू होती है बहुत 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 पुरानी, ठीक है। तो मैं इतना बताऊँगा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो अगर आपको देखना है कब से चालू है क्या चालू है, तो इसका अब इसने जो एक ब्लॉग डाला होगा वो है इसके घर में आग लग गई, मतलब इसने आग लगा दी थी, प्रैंक कर रहा था अपनी मम्मी के साथ, तो इसने मम्मी ने इसके साथ बदला लिया है, तो अब ये हो गया दो। अब इसने बोला कि पापा के साथ भी प्रैंक करना है, अब वो भी देखेंगे जब आएगा। तो अभी बात चली तो 100 की,
ठीक है। तो ये बात इसने जब अपने घर में जो प्रैंक किया था आग लगाने की, उससे एक दो वीडियो नीचे उसने चालू कर दिया कि मेरे घर में भूत है, नीचे कोई ऑफ हो गया था, तो लाइक उसकी कोई नेगेटिव चीज़ जो मेरे घर में हो रही है ऐसा वैसा। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्लिप दिखा देता, फिर आगे बात करते हैं अपने। ठीक है, चलो। मैं रखूंगा एक गोप्रो, दूसरा मैं रख रहा हूँ ये LTD, ये देख रहा हूँ इसमें स्क्रीन फ्रंट में आती है, मैं शायद दिख भी रहा हूँ, तो इसको मैं रख रहा हूँ ये शोकेस पे स्क्रीन आगे करके ऐसे। ठीक है, इससे क्या, इससे ना पूरा घर दिखेगा, ये देखो यहाँ से पूरा घर वाला एंगल आ रहा है। मैं रिकॉर्डिंग जब ऑन करूँगा जब 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट रहते होंगे, क्योंकि डॉलर को 12 बजे के बाद ही एक्टिविटीज महसूस होती है, क्योंकि दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो अभी हो रहे हैं 11:30 हो रहे हैं रात के। सुबह आप में से काफी लोग बोलते हो भाई अब टिकटॉक कैसे बनाते हो सुबह, तो जिसने मेरे को टिकटॉक पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लेना, यूजर नेम खाली सिंपल है गौरव जोन, मेरा वेरीफाइड है टिकटॉक पे। ठीक है, और डॉलर और मैं बहुत सारी टिकटॉक डालते हैं, वहाँ मेरे करीब 5 लाख फॉलोअर हैं, तो कराओ मिलियन कराओ अभी। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा टिकटॉक को। कैमरा यहाँ मैं बालकोनी में लगाने वाला हूँ, क्योंकि डॉलर मोस्टली यही रहता है बालकोनी में, नीचे दिखता रहेगा। अभी भी देखो ये कपड़े के नीचे, ये देखो कैसे बैठा है, सहमा सहमा सा। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठा है, चल अंदर चल। सो एक कैमरा मैं यहाँ लगा देता हूँ स्टैंड पे। ठीक है, तो यहाँ तो वॉशरूम में सुसु करके डॉलर, यहाँ क्यों सुसु कर रहा है। तो एक ही बच्चा लास्ट कैमरा ये है G7X, तो इसको मैं रखने वाला हूँ बाथरूम में। तो ये रहा बाथरूम, ठीक है कोई नहीं अभी। तो एक काम करता हूँ इसको इस कोने वाले डब्बे पे, डॉलर हट जा पीछे हट जा, सीरियस इशू है, या ऐसे करके रख देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके इससे पूरा बाथरूम दिख रहा है, बाथरूम की एक्टिविटी ये देखो, पूरा बाथरूम आ गया। ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ दूंगा, सेट करूँ। मैंने सारे कैमरे फिक्स कर दिए, और इस कैमरे को थोड़ा नीचे एंगल पे कर दिया, पहले ऊपर रख रहा था बट मैं नीचे रख रहा हूँ, क्योंकि नीचे फर्श पे एक्टिविटी, अगर परछाई आएगी तो फर्श पे आएगी, वो सोच के मैंने नीचे एंगल पे रखा। ठीक है, तो अब मैं ये कमरे की लाइट बंद कर देता हूँ, पीछे की ऑन रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं अंधेरा टाइप करके रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक्टिविटी अंधेरे में होती है अगर होगी तो। ठीक है, और डॉलर को पता नहीं क्या हो गया, नीचे बैठा हुआ है, देखो देखो आया अचानक से, यहाँ कुछ सूंगा फिर यहाँ लेट गया। क्या हो गया भाई, ओए देखो फिर लेट गया, कहाँ देख रहा है, क्या हो गया, अबे क्यों डरा रहा है अभी, अच्छा खाना वाना खा रहा है। तो ठीक है भाई, लाइट बंद करता हूँ। दिख रहा हूँ आपको टाइम, तो 3:30 हो रहे हैं रात के, 3:31। अभी तो पता नहीं डॉलर कहाँ है, मैं बेड पे सो रहा था तो बेड पे भी नहीं है। ये देखो नीचे पूरा रोड खाली है, एक बंदा नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जाति, ये देखो कितना सुनसान हो रहा है। और सबसे ज़्यादा डरावनी वो सीट लग रही है, किसी बालकोनी में ऐसा लग रहा है कोई भूत बैठा होगा। पहले तो कमरे की लाइट जलाऊं, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मम्मी ये रही, डॉलर मेरे साथ ही सोया था, यहाँ पे मेरे साथ सो रहा था, अभी है नहीं, नहीं तो कभी कभी यहाँ सोता है, जैसे यहाँ भी नहीं है। तो कहाँ गया डॉलर, 3 बजे सीटी बजाना, 3 तो नहीं 3:30 हो रहे हैं, फिर भी एक सीटी बजा, सीटी आती नहीं, एक बार ही चिल्ला दिया भाई, अब पता नहीं क्या रिकॉर्ड में धक धक हो रही है। बैटरी की लाइफ 2 घंटे होती है, मैं लगाता हूँ कैमरे। काफी लोगों ने बोला भाई लास्ट वीडियो में आपने जो ऐप दिखाई थी इसमें, अभी बस एक बालक नींद नहीं आएगी, और मैं अभी इसलिए नहीं दिखा। और डॉलर गाइस मैं शॉक हो गया लिटरली कि डॉलर रात को क्या करता है, मैं देख के बालक दिख रहा, ओए घर बैठ घर जा, क्या कर रहा है, बहुत मारूंगा बच्चों को, बहुत मारता हूँ, भाग भग गया। सो गाइस बहुत ज्यादा सीरियस इशू है, मैं जस्ट अभी क्लिप चेक कर रहा था, तो सबसे पहले मैं बताऊँ मेरे को गोप्रो की फुटेज में कुछ
कुछ भी एक्टिविटी उन्हें मिली। बट एक बैड न्यूज़ है बहुत ज़्यादा कि मेरे को 80D वाले कैमरे में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, और इसमें कम है लेकिन 80D में मतलब जो मैं अभी देख रहा हूँ ना, और डॉलर गाइस मैं शॉक हो गया लिटरली कि डॉलर रात को क्या करता है। मैं देख के मतलब मेरे को शायद आज रात नींद नहीं आएगी, और मैं अभी इसलिए नहीं दिखा पा रहा CCTV, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो ये सारा CCTV सारी फुटेज मैं दिखाऊंगा डॉलर की और सब नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि वो बहुत बड़ा व्लॉग बनने वाला, क्योंकि पूरी CCTV आपको दिखाऊंगा। तो वो सबसे पहले क्लिप में डालूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं पूरा वो रिएक्शन करते हुए पूरी क्लिप मैं इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ जो मेरे को हरकत नोटिस हुई है। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे सबसे पहले फॉलो करो, जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो आप इंस्टाग्राम पे हो, मैं क्लिप डाल चुका हूँ। तो यूजर नेम ये रहा मेरे इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की वेट करो, नेक्स्ट वीडियो कल या परसों में तुरंत। सॉरी, आगे देख लिया आपने सेकंड क्लिप भी। पहली, इसमें भी आपको पॉइंट के हिसाब से बता दूं, ठीक है। पहली चीज, इसने अपने डॉग को खुद छुपाया है, जिसने आपने देखा होगा इसके बाउल जो इस पानी पीता है इसका डॉलर, वो बाउल इसने अपने साइड में रखा है, ठीक है। पहला, दूसरा, इसने अपने डॉलर में जहाँ छुपाया वो टेबल के नीचे उसने अपने हड्डी दी है, वो हड्डी खा रहा है, वो बैठा है, वो दो तीन नाटक मार के डाउन मार के फिर बोल रहे डॉलर नीचे है, क्या करा वो जो नाटक बोला वो, ये हो गया पहला। दूसरा, सीटी मारनी नहीं आती, इतनी इजी है भाई, सीटी मारनी नहीं आती। इतना बड़ा यूट्यूबर है, इतना बड़ा इंसान है, सीटी मारनी नहीं आती, ये कौन करता है भाई। दूसरा ये, तीसरा, अब हम एक ब्लॉग में क्या दिखाते हैं, ठीक है। मैं तो अभी हूँ ही कुछ इतना, बाकी जो अपने यूट्यूबर होते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ, JS फिल्म हो गई, वो ब्लॉगर नहीं है बट मोटो ब्लॉगिंग करता है, बट अभी होम ब्लॉग कर रहा है, तो आप उसका भी चैनल देखना आप समझ जाओगे। जो हमारे लेजेंड है फ्रैंक बीस्ट, गौरव तनेजा, ठीक है, द वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर आई हैव सीन इन माई लाइफ टूडेज, ठीक है। उनका ब्लॉग देखो आप, वो ब्लॉग होते ये दो, अब ये क्या, ठीक है ना, मैं बोल नहीं पाऊँगा, मेरा थोड़ा वैसा ब्लॉग है, मैं गाली गलौज नहीं करता, ठीक है। तो अभी देखा आपने ये क्या किया क्या नहीं था, दूसरा ये, तीसरा ये, इसका इतनी एक्टिंग। हम लोगों ने क्या देखा कि भाई हमने सोचा कि अब ये ब्लॉग बनाया इसने, ठीक है, हॉन्टेड वाला, अब हमको घर में भूत दिखेगा, ठीक है, हमने पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखा। अब एंड में इसने क्या बोला, बहुत सीरियस मामला है, बहुत सीरियस, जिस हिसाब से बोलता है ना भाई, सामने दिख जाता है कितना एक्टिंग है ये, कितनी एक्टिंग की है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, दो तीन दिन में इसका ब्लॉग डाल दूंगा, आज हो गई है 3 या 4 दिन हो गए, आज तक अभी तक इसका ब्लॉग नहीं आया है। ये क्या काट रहा है पता आपको, समझ रहे हो ना आप क्या काट रहे हैं, तो ये काट रहा है बराबर का। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे, अभी दो क्लिप मेरे को पता नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को इतने अच्छे से आती नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो अभी ये दो क्लिप को साइड में करो, अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे अर्न करता है, कैसे झगड़ के रखता है, कैसे एक, ठीक है, चलो। सो पहला, इसमें भी मैं पॉइंट के हिसाब से बताता हूँ आपको। पहला, ये हर अपने ब्लॉग में, वीडियो में, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक कम से कम गुनगुन करता रहता है कि वहाँ जाओ, वहाँ मैं पहले डाल देता हूँ, वहाँ पर फॉलो करके रखता हूँ, ठीक है। फिर टिकटॉक पर जाओ, जाओ टिकटॉक पे 1 मिलियन करा दो, वहाँ पे भी मैं वेरीफाइड हूँ, ठीक है। दूसरा ये, तीसरा, अब इंस्टाग्राम ने इसने अपनी स्टोरी डाली है कि सब्सक्राइब भी कैसे करते हैं, मतलब वो अपने ऑडियंस को इंस्टाग्राम के स्टोरी में बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब ऐसे करो फिर बेल आइकन दबाओ तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, अब ये गेमर तो है नहीं ना गाइस, अब गेमर हो, स्ट्रीमिंग करता हो तो ज्वाइन मेंबरशिप ऑन तो हम करें भी, समझ में भी आया, ठीक है। और अभी के टाइम में हम अपने थोड़े बहुत सेविंग है कि थोड़ी बहुत रुपए जो है हम सेव करें कि लाइक आगे हमें काम आए और ये लॉकडाउन हमको यूज़ हो। अब इस टाइम पे इसने ये खोल दिया जो आपके स्क्रीन में देख रहे होगा, मेंबरशिप ओपन कर दी कि मेंबर बनो, ज्वाइन करो, और ये ज्वाइन के अंदर क्या होगा मैं बताता हूँ। इसने मुझे क्या, इससे अपने ऑडियंस को बोला है, इसके अंदर मैंने 5 से 10 मिनट का एक ब्लॉग डाला है जो हॉन्टेड जो मैंने किया था उसका छोटा सा क्लिप डाला है, पहला पॉइंट।
दूसरा ये बोला कि तो मैं लाइव गाऊंगा वो सब डालूंगा इसमें। थर्ड पॉइंट बहुत मतलब जो महंगे टाइप की वीडियो होंगी वो डालेगा इसमें। तीन, तो एक बात बताओ, ये मुझे नहीं वापस, सॉरी अपने ऑडियंस को बोलते हैं कि आप मेरे फैन या कुछ भी नहीं है, नॉर्मली भाई या फैमिली मेम्बर्स हो, ठीक है। सो फैमिली मेम्बर्स को क्यों ऐसा इतनी मेहनत करवानी है, रुपये खर्चने, ठीक है, तो नॉर्मली अपने वीडियो डालना क्यों ही नाटक, समझ रहे हो ना आप ये दो तीन पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ। तो कैसे मेंबरशिप लोगे, तो इसकी 160 इसके अकाउंट में जाएंगे, हमारे तो लॉस है, इसका बेनिफिट है पहला पॉइंट। दूसरा, ये अपना इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक हर जगह अपना प्रमोट करता रहता है, वीडियो कम दिखता है बाकी 5 मिनट अपना प्रमोट करता रहता है ये, ठीक है। तो अब तो गाइस ये दो तीन पॉइंट थे जिस हिसाब से अपने ऑडियंस को जकड़ के रखता है, कमाता है, और जो भी आप समझ ही गए होंगे। और हाँ 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 एक सेकंड को रुको रुको, एक चीज़ तो मैं बोलना भूल गया, हम अपना पेट लाते हैं, डॉग कैट वॉट एवर जो हम लेके आते हैं अपने घर पे, उसको हम पालते हैं, ठीक है, हम उसको एक ट्रेनिंग देते हैं, एक अच्छी ऐसी चीज़ देते कि वो बन, ठीक है। तो वो अपना एक पेट लेके आया है, ठीक है, उस पेट को अभी तक उसने वो ट्रेन भी नहीं किया, कभी वो अपना कैमरा खा जाता है, मतलब उसके पापा का, तो वो डॉलर उसका पापा, वो बोलता है डॉलर मेरा बेटा बाप जो भी इसका रिश्ता हुए, तो डॉलर इसका माइक खा जाता है, इसका ईयरपॉड खा जाता है, इसका पिलंग खा जाता है, इसका कभी कभी तोड़ फोड़ मचा देता है, ठीक है, कभी मेमोरी कार्ड खा जाता है, कभी जहाँ ये अपने खाना पीना करते हैं ना लिविंग रूम में, तो वहाँ पर इसने पू कर देता है, ठीक है। और ऐसी चीज, और हाँ एक चीज़ तो, और ये वीडियो देखो अभी अभी, उन्होंने जॉब छोड़ दी। सो गाइस मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ और एक बैड न्यूज मिली, लिटरली बैड न्यूज, देखो पहले। सो गाइस ये देखो, पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना संक्रमित होने पर सील, माल्यनगर में कुछ हिस्से को सील किया गया, ये देख रहे हो। देखा मेरी इसलिए फट रही है क्योंकि मैंने कल रात कोई पिज्जा मंगाया। वीडियो में एक क्या दिखा रहा है अपने ऑडियंस को, आप समझ रहे हो ना गाइस, जो इसकी ऑडियंस होगी वो मुझे हेट करेगी, मुझे गाली बोलेगी, वो समझ सकता हूँ, बट जो मैं वे में आपको बताना चाह रहा हूँ वो भी आप एक बार सुनो समझो आप, ठीक है। ये पूरा ये गंद फैला रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। एक यूट्यूबर जो मैंने आपको बोला, ये जो फ्लाइंग बीस से जो आज के लेजेंड है ब्लॉगर, वो एक मोटिवेट भी करते हैं, एक अच्छी सीख देते हैं कि कैसा एडिट होता है, कैसा कमेंट्री होती है, कैसा क्लिप होता है, कैसा ब्लॉग कंटेंट द मोस्ट, तो ऐसा ही होता है। अभी के लॉकडाउन में हम तो मैं तो नहीं, बाकी हम जो बाकी यूट्यूबर्स एक्सपेक्ट करते वो बताते हैं कि हम अभी लॉकडाउन में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा अपना जो भी पुरानी चीज़ें शेयर कर रहे हैं कि घर में बैठ के जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है। सो गाइस प्लीज़, अगर आपके पास कुछ नहीं करने के लिए, लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आपके पास अभी तो क्या कुछ भी नहीं है ना, घर पे बैठे हो सब, तो आपने देख लिया फ़ोन टीवी वेब सीरीज पूरा मचका डाला है चूस डाला है, तो अभी मैं बोलता हूँ आप क्या करो, आपके पास टाइम है वेस्ट करने के लिए तो जाओ गौर जो लिखो इसके ब्लॉग देखो, कुछ ज़्यादा है नहीं है, प्रैंक वीडियो है, हॉन्टेड ब्लॉग है, अपनी गाड़ी की तोड़ फोड़ करता है, गाड़ी को तोड़ फोड़ करके वहाँ पर मॉडिफाई कराता है, ये काम है। इसके सामने मैं बोलूँगा नहीं गाइस, मेरा पसीना आने लग गया मेरे को, ठीक है, और ज़्यादा मैं ठीक है। सो गाइस गए आज की वीडियो में इतना ही था, होप आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मेक श्योर इफ यू हैव लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय वीडियो, हेट मत, ये हेट वीडियो नहीं था गाइस, बट एक टाइम पे मेरे को भी बहुत पसंद था इनका वीडियो, बट अभी नो सेंस वाले वीडियो आने लगे तो मेरे को पसंद नहीं आ रहे, तो आपकी क्या राय है, क्या आपका ओपिनियन है, तो आप जाके बोल देना, और हाँ मेरे को भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे हर जगह पे, ठीक है, मैंने लिंक डाल दिया।